Hello everyone, welcome to JSIR Tutors. So students, today in this video we are going to start with chapter number 9, that is surface area and volume of class 9th Maharashtra State Board. स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है एंड हमारे चैनल का कंटेंट अच्छा लग रहा है देन प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. सो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जो यहाँ पर हमें प्रैक्टिस सेट 9.1 दिया हुआ है ये डिस्कस करेंगे. बट प्रैक्टिस सेट 9.1 जो है ये स्टार्ट करने के पहले यहाँ पर देखो कुछ बेसिक फॉर्मूलेज दिए हुए हैं जो हमने लोअर क्लासेस में पढ़े हुए थे, क्यूबॉइड, क्यूब एंड सिलेंडर का. जैसे कि एरिया ऑफ वर्टिकल सर्फेसेस क्या होता है, क्यूबॉइड का उसका टोटल सर्फेस क्या होता है, क्यूब का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, एरिया क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है एंड सिलेंडर का यहाँ पर कर्व सरफेस एरिया क्या होता है. यहाँ पर ये जितने भी फॉर्मूलेज हैं ये सभी इंपॉर्टेंट हैं जो कि हमें प्रैक्टिस सेट 9.1 सॉल्व करने के लिए हेल्प करेंगे. तो एक बार चलिए सबसे पहले हम ये फार्मूलाज डिस्कस कर लेते हैं. सो सबसे पहले देखो क्यूब, क्यूबॉइड का हमें किस क्या दिया हुआ है फार्मूला जो याद रखना है वो क्या है, हमें एरिया ऑफ वर्टिकल सर्फेसेस ऑफ क्यूबॉइड अगर हमसे पूछा रहा क्वेश्चन में कि फाइंड द एरिया ऑफ वर्टिकल सर्फेसेस ऑफ अ क्यूबॉइड, तो वो फाइंड आउट करने के लिए उसका फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट. एरिया ऑफ वर्टिकल सर्फेसेस ऑफ अ क्यूबॉइड निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट. देन नेक्स्ट फार्मूला क्या है हमारे पास में, टोटल सर्फेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड इज इक्वल्स टू 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस लेंथ इंटू हाइट. अगर हमें क्वेश्चन में टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए कहा गया है क्यूबॉइड का, तो उसे निकालने के लिए जो फॉर्मूला है वो क्या है, 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस लेंथ इंटू हाइट होता है. ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट कौन सा फॉर्मूला है हमारे पास में, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड. वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड कैसे निकालते हैं हम स्टूडेंट्स, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट करेंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड आ जाएगा. ठीक है, क्यूबॉइड के लिए ये तीन फॉर्मूले याद है कौन कौन से, एरिया ऑफ वर्टिकल सर्फेस ऑफ अ क्यूबॉइड इज इक्वल्स टू 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट, टोटल सर्फेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड इज इक्वल्स टू 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस लेंथ इंटू हाइट एंड वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल्स टू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट. ठीक है, नेक्स्ट देखो हमारे पास में क्या है, क्यूब दिया हुआ है. क्यूब में जो हर एक लेंथ होती है हर एक साइड की वो कितनी होती है, एल होती है. तो क्यूब का अगर हमें टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करने के लिए कहा गया तो वो कितना आएगा स्टूडेंट्स हमारे पास में, 6L² आएगा एंड एरिया ऑफ वर्टिकल सरफेसेस ऑफ अ क्यूब कितना आएगा, 4L² आएगा एंड वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना आएगा, L³ आ जाएगा. ठीक है, क्यूब की अगर हम बात करेंगे तो क्यूब का जो एरिया ऑफ वर्टिकल सर्फेसेस होता है वो कैसे निकालेंगे हम, 4L² करेंगे तो हमारे पास में एरिया ऑफ वर्टिकल सर्फेसेस आ जाएगा. अगर हमें क्यूब का टोटल सर्फेस एरिया फाइंड आउट करना है तो हम 6L² कर देंगे तो हमारे पास में टोटल सर्फेस एरिया ऑफ क्यूब आ जाएगा एंड अगर हमें वॉल्यूम ऑफ क्यूब फाइंड आउट करना है देन हम L³ करेंगे जिससे हमारे पास में क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, वॉल्यूम ऑफ क्यूब आ जाएगा. ठीक है, नाउ लास्ट क्या है हमारे पास में, यहाँ पर देखो स्टूडेंट, देखो यहाँ पर हमसे क्या कहा है स्टूडेंट, सिलेंडर का कहा है. ठीक है, सिलेंडर का जो यहाँ पर देखो ये आर क्या है, ये इसका रेडियस हो गया और ये क्या है, ये यहाँ से यहाँ तक के ये क्या है, एच इसकी हाइट हो गई. ठीक है, सो आर ऑफ सिलेंडर, रेडियस ऑफ सिलेंडर इज आर एंड हाइट इज एच. अगर हमें कर्व सरफेस एरिया फाइंड आउट करने के लिए कहा गया सिलेंडर का तो वो क्या हो जाएगा, 2πRh से हम लोग जो कर्व सरफेस एरिया होता है सिलेंडर का वो फाइंड आउट करेंगे. 2π कॉन्स्टेंट रहेगा, पाई की वैल्यू या तो हमें क्वेश्चन में दी हुई है कितनी लेनी है कौन से क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम, कहीं कहीं पर 3.14 लेनी है एंड कहीं पर 22/7 लेनी है. तो अपने मन से नहीं लेना, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है कांस्टेंट वैल्यू पाए का वही लेना. देन रेडियस की वैल्यू भी हमें दी हुई रहती है, हाइट भी दिया हुआ रहता है हमें क्वेश्चन में ही, तो उससे हम क्या फाइंड आउट कर लेंगे स्टूडेंट्स, कर्व सरफेस एरिया फाइंड आउट कर लेंगे कोई भी एक सिलेंडर का. अगर हमें टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर फाइंड आउट करने के लिए कहा गया तो उससे हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, 2πR इंटू आर प्लस एच करेंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा कोई भी एक सिलेंडर का. एंड अगर हमें वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर फाइंड आउट करने के लिए कहा गया तो हम क्या करेंगे, πR² h करेंगे तो उससे हमारे पास में क्या आ जाएगा, सिलेंडर का वॉल्यूम आ जाएगा. ठीक है स्टूडेंट्स, सो इतने ही बस ये फॉर्मूलेज थे जो कि हमें प्रैक्टिस सेट 9.1 जो है वो स्टार्ट करने के पहले डिस्कस करना था. अभी हम क्या करेंगे, प्रैक्टिस सेट 9.1 जो है ये स्टार्ट करते हैं. सो यहाँ पर देखो स्टूडेंट्स, प्रैक्टिस सेट 9.1 में जो क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है हमें, उसमें हमसे क्या कहा है, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ अ क्यूबॉइड शेप बॉक्स ऑफ मेडिसिन इज 20 cm, 12 cm एंड 10 cm रिस्पेक्टिवली. मतलब कि यहाँ पर देखो साथ में स्टूडेंट्स नोटबुक में भी लिखते चलते रहना कि हमें क्वेश्चन में क्या क्या दिया है. हमें सबसे पहले किसकी बात कर रहा है, वो क्यूबॉइड की बात कर रहा है, क्यूबॉइड शेप का हमारे पास में एक बॉक्स है मेडिसिन का उसकी बात कर रहा है.
क्यूबॉइड शेप का बॉक्स है, तो उसमें हमारे पास में देखो हमें सबसे पहले लेंथ का है, तो लेंथ कितनी दी हुई है 20 सेंटीमीटर दी हुई है, सो लेंथ इज इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर हो गया। ब्रेथ देखो स्टूडेंट्स कितनी दी हुई है, 12 सेंटीमीटर दी हुई है, सो बी इज इक्वल्स टू कितनी आ गई, 12 सेंटीमीटर आ गई। एंड हाइट, हाइट देखो कितनी दी हुई है हमें, 10 सेंटीमीटर दी हुई है, सो एच इज इक्वल्स टू क्या आ गया हमारे पास में, 10 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमें फाइंड आउट करने के लिए क्या कहा है, फाइंड द सर्फेस एरिया ऑफ वर्टिकल फेसेस एंड टोटल सर्फेस एरिया ऑफ दिस बॉक्स। मतलब कि हमें टू फाइंड करके लिखना है यहाँ पर, कि हमें फाइंड क्या करना है यहाँ पर, वर्टिकल फेसेस एंड टोटल सर्फेस एरिया फाइंड आउट करना है कि ये क्यूबॉइड शेप का जो मेडिसिन बॉक्स है इसका, ठीक है, टोटल सर्फेस एरिया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर ऐसे सॉल्यूशन लिखेंगे। सॉल्यूशन में हमें सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना है, लिखा है यहाँ पर देखो सरफेस एरिया ऑफ वर्टिकल फेसेस कहा है, ठीक है। सो सॉल्यूशन में लिखना कि जो सरफेस एरिया होता है, सरफेस एरिया ऑफ वर्टिकल फेसेस, उसको फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट होता है, 2 एज इट इज रहेगा। लेंथ कितना दिया हुआ है स्टूडेंट्स हमें क्वेश्चन में, 20 प्लस ब्रेथ कितना दिया हुआ है, 12 इंटू हाइट कितनी दी हुई है, 10, विच इज इक्वल्स टू 2 इंटू 12 प्लस 20 करेंगे तो हमारे पास में कितना आ रहा है स्टूडेंट्स, 32 इंटू 10, 32 इंटू 2 करेंगे सो 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 64 इंटू 10 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 640 आ जाएगा। ठीक है, सो देयरफॉर फाइनल आंसर लिख देना यहाँ पर कि जो सरफेस एरिया है, सरफेस एरिया ऑफ वर्टिकल फेसेस कितना है स्टूडेंट्स, 640 है। ठीक है, नेक्स्ट हमें क्या फाइंड आउट करने के लिए कहा था, यहाँ पर हमें टोटल सरफेस एरिया भी फाइंड आउट करने के लिए कहा था। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में अभी हम क्या करेंगे, टोटल सरफेस एरिया भी फाइंड आउट करेंगे। देयरफॉर टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल्स टू, टोटल सरफेस एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट्स हमारे पास में, 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस लेंथ इंटू हाइट है। ठीक है, 2 एज इट इज रहेगा। लेंथ कितनी दी हुई है हमें यहाँ पर देखो, 20 सेंटीमीटर दी हुई है, सो 20 इंटू 12 करेंगे प्लस 12 इंटू 10, ब्रेथ कितनी होती है 12 एंड हाइट कितनी है देखो हमें 10 दी हुई है, प्लस लेंथ कितनी है 20 इंटू हाइट कितनी है h। ठीक है, विच इज इक्वल्स टू, 2 कांस्टेंट रहेगा, 12 टू ज़ा 24 तो ये कितना हो गया, 20 इंटू 12 कितना आ गया स्टूडेंट्स, 240 आ गया, प्लस 12 टेन ज़ा 120 आया, प्लस 20 इंटू 10 इज 200। ठीक है, अब यहाँ पर देखो रफ वर्क कर लेंगे हम, रफ वर्क में हमारे पास में देखो ये क्या है, 240 प्लस 120 प्लस 200 है, सब पे एडिशन करना है हमें, ये जीरो आ जाएगा, 4 प्लस 2 इज 6, 2 3 4 5 तो ये कितना आ गया, 560 आ गया, सो 2 इंटू 560 करेंगे हम, 240 प्लस 120 प्लस 200 कितना हो रहा है स्टूडेंट्स, 560 हो रहा है, सो 2 इंटू 560 विच इज इक्वल्स टू, 2 0 ज़ा 0, 6 2 ज़ा 12, 1 कैरी, 5 2 ज़ा 10 प्लस 1 11। ठीक है, सो फाइनल आंसर में लिखना कि टोटल सरफेस एरिया जो है वो कितना है, 1120। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर लास्ट में सबसे फाइनल आंसर लिख देना कि देयरफॉर सरफेस एरिया ऑफ वर्टिकल सरफेस ऑफ वर्टिकल फेसेस इज 640 स्क्वायर सेंटीमीटर एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस बॉक्स, टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस बॉक्स is 1120 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, नाउ मूविंग फॉरवर्ड टूवर्ड सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन में देखो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमसे क्या दिया हुआ है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ बॉक्स ऑफ क्यूबॉइड शेप इज 500 स्क्वायर यूनिट, इट्स ब्रेथ एंड हाइट इज 6 यूनिट एंड 5 यूनिट रेस्पेक्टिवली, व्हाट इज द लेंथ ऑफ दैट बॉक्स। सो देखो स्टूडेंट्स यहाँ पर ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है, यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है, गिवन में लिख लेना सबसे पहले, गिवन में हमें क्या दिया हुआ है, टोटल सरफेस एरिया जो दिया हुआ है हमें क्यूबॉइड का वो कितना है, 500 स्क्वायर यूनिट दिया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर क्या कहा है, इट्स ब्रेथ, ब्रेथ कितनी दी हुई है हमें, 6 यूनिट दिया हुआ है, मतलब कि बी इज इक्वल्स टू 6 यूनिट दिया हुआ है, एंड हाइट, हाइट कितना दिया हुआ है, 5 यूनिट रिस्पेक्टिवली, एच इज इक्वल्स टू 5 यूनिट दिया हुआ है,
हमसे क्या कहा है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द बॉक्स। तो टू फाइंड में क्या आएगा, हमें क्या फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स, लेंथ ऑफ द बॉक्स फाइंड आउट करना है, ठीक है। सो टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड निकालने का जो फॉर्मूला है वो अप्लाई करके हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, लेंथ ऑफ क्यूबॉइड जो है वो फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। सो जो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड निकालने का फॉर्मूला है स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखो मैं ये शॉर्ट में लिख रही हूँ, टोटल सरफेस एरिया टी एस है, बट आप लोग पेपर सॉल्व करते टाइम इसे पूरा फुल में लिखना, टी ओ टी एल, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इट इज इक्वल्स टू 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस लेंथ इंटू हाइट होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर देखो ये 2 एज इट इज रहेगा, लेंथ हमें फाइंड आउट करना है, सो एल एज इट इज इंटू बी क्या दिया हुआ है स्टूडेंट्स, हमें ब्रेथ 6 दिया हुआ है, 6 प्लस ब्रेथ इंटू हाइट तो 6 इंटू 5 प्लस एल हमें फाइंड आउट करना है, लेंथ इंटू हाइट कितना है 5। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड कितना दिया हुआ स्टूडेंट्स हमें, देखो यहाँ पर 500 यूनिट लिखा हुआ है, सो ये क्या आ गया 500। अब यहाँ पर देखो स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, ये जो 2 है इसे डायरेक्टली हम एलएचएस में लेके आ जाएंगे, तो वो क्या कर देंगे डिवीजन में आ जाएगा, तो 500 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल्स टू 6L प्लस 6 5 30 प्लस 5L, ठीक है। अब 500 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे हम कितना आएगा, देखो स्टूडेंट्स ये 2 2 4 1 बचा रहेगा रिमाइंडर में, सो 2 5 10 हो जाएगा, 2 0 0 आ जाएगा, तो ये क्या है हमारे पास में 250 इज इक्वल्स टू 6L प्लस 5L कितना होगा स्टूडेंट्स 11L प्लस 30। अब 250 माइनस 30 करेंगे LHS में लेके आ जाएंगे हम लोग, प्लस 30 को LHS में लेके आएंगे, माइनस 30 हो गया विच इज इक्वल्स टू 11L, सो 250 माइनस 30 करेंगे 220 होता है विच इज इक्वल्स टू 11L, सो लेंथ कितनी आ रही है स्टूडेंट्स हमारे पास में, लेंथ दैट इज L इट इज इक्वल्स टू 220 डिवाइडेड बाई 11 करेंगे हम, सो 11 टू ज़ा 22 होता है, 0 ज़ा 0, सो लेंथ कितनी आई स्टूडेंट्स हमारे पास में 20 यूनिट आई, ठीक है। सो देयरफॉर फाइनल आंसर लिखना कि देयरफॉर लेंथ ऑफ दिस क्यूबॉइड इज 20 यूनिट, ठीक है स्टूडेंट्स। नाउ यहाँ पर देखो लेंथ ऑफ दैट बॉक्स का है, तो हम यहाँ पर वही कर देंगे कि देयरफॉर लेंथ ऑफ दैट बॉक्स कर देंगे, क्यूबॉइड नहीं लिखेंगे, देयरफॉर लेंथ ऑफ दैट बॉक्स इज 20 यूनिट, और जो फाइनल आंसर आया है जो लेंथ आया है उसे अंडरलाइन कर देना, डैट इज 20 यूनिट, हाईलाइट हो जाएगा तो अच्छे से समझ जाता है, ठीक है। देन यहाँ पर देखो स्टूडेंट्स थर्ड में हमसे क्या कहा है, साइड ऑफ अ क्यूब इज 4.5 सेंटीमीटर, क्यूब है उसकी साइड जो है वो 4.5 सेंटीमीटर दी हुई है, हमसे यहाँ पर क्या फाइंड आउट करने के लिए कहा है, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ ऑल वर्टिकल फेसेस एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब, मतलब कि साइड ऑफ क्यूब कहा है हमसे, ठीक है। तो गिवन में लिख लेना, साइड ऑफ क्यूब को हम किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेंथ दैट इज एल से रिप्रेजेंट करते हैं साइड को ही हम, ठीक है, जो कि हमें कितना दिया हुआ है 4.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। हमें फाइंड आउट करने के लिए क्या कहा है स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखो क्वेश्चन में सरफेस एरिया ऑफ ऑल वर्टिकल सरफेसेस, तो हमें फाइंड आउट क्या करना है, सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है, सरफेस एरिया ऑफ ऑल वर्टिकल फेसेस फाइंड आउट करना है, ठीक है, एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब कहा है हमसे फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है। तो सॉल्यूशन में देखो हम कैसे सॉल्व करेंगे इसे, सरफेस एरिया ऑफ ऑल वर्टिकल फेसेस, सरफेस एरिया ऑफ ऑल वर्टिकल फेसेस ऑफ क्यूब निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट्स हमारे पास में, 4L स्क्वायर है, 4 एज इट इज रहेगा, L स्क्वायर है मतलब कि ये 4.5 स्क्वायर की बात कर रहे हैं, सो 4 इंटू 4.5 इंटू 4.5, ठीक है। सो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखो 4.5 इंटू 4.5 किया है मैंने यहाँ पर, तो हमारे पास में कितना आ रहा है 4.5 का स्क्वायर 20.25 आ रहा है, ठीक है 20.25। अभी अगर हम 20.25 इंटू अगर हम 4 करेंगे तो हमारे पास में कितना आता है स्टूडेंट्स 8.1। देखो अगर हमने क्या किया है 20.25 है इंटू 4, सादा मल्टीप्लीकेशन करना है, 5 4 ज़ा कितना होता है 20 4 2 ज़ा 8 9 10 10 ये 1 एज इट इज आ जाएगा, 4 2 ज़ा 8 क्रॉस आ जाएंगे, तो ये देखो स्टूडेंट्स यहाँ पर ये 2 पॉइंट के बाद में 0 है, तो हमारे पास में देखो स्टूडेंट्स क्या आ रहा है 81.0 आ रहा है, ठीक है। सो यहाँ पर जो सरफेस एरिया है हमारे पास में क्यूब का 81 स्क्वायर आ रहा है, ठीक है 81.0 स्क्वायर सेंटीमीटर आ रहा है, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, टोटल सरफेस एरिया जो है क्यूब का वो फाइंड आउट करेंगे।
सो नाउ स्टूडेंट्स, देखो हमसे क्या कहा है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब फाइंड आउट करने के लिए कहा है, जिसे फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास में, 6L² 6 एट इज रहेगा, लेंथ कितनी हुई हमें 4.5 दी हुई है, तो ये क्या हो जाएगा 4.5 का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये क्या हुआ 6 × 4.5 × 4.5। अभी हमने जब स्टूडेंट्स यहाँ पर जो सरफेस एरिया वर्टिकल सरफेसेस का निकाला था वो कितना हुआ था हमारे पास में, 81.0 आया था, तो उसमें हमने 4.5 का मल्टीप्लिकेशन देखा था, 4.5 × 4.5 कितना आ रहा था हमारे पास में, 20.25 आ रहा था ना, ठीक है। सो यहाँ पर डायरेक्टली लिख लेना कि 6 × 20.25। अब देखो 20.25 है हमारे पास में इंटू, अगर हम 6 कर रहे हैं तो हमें कितना मिलेगा, 12 1.5, सो 121.5 मिलेगा। ये देखो 20.25 × 6 करेंगे हम तो हमें कितना मिल रहा है, 6 × 5 = 30, 6 × 2 = 12, 13 × 14 = 15, 1 × 6 = 12, और ये दो पॉइंट के बाद में, सो ये कितना आया 121.5 स्क्वायर सेंटीमीटर आया, ठीक है स्टूडेंट्स। सो यहाँ पर लास्ट में फाइनल आंसर लिख देना कि देयरफॉर द सरफेस एरिया ऑफ ऑल वर्टिकल फेसेस is 81.0 square centimeter and the total surface area of this cube is 121.5 square centimeter। ठीक है students, इस तरह से आपका जो third sub question है ये solve होता है। Now moving forward towards fourth। सो नाउ स्टूडेंट्स यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे क्या कहा है, द टोटल सर्फेस एरिया ऑफ क्यूब इज 5400 स्क्वायर सेंटीमीटर, फाइंड द सर्फेस एरिया ऑफ ऑल वर्टिकल फेसेस ऑफ अ क्यूब। सो हमें यहाँ पर क्यूब का जो टोटल सर्फेस एरिया है, क्वेश्चन नंबर 4 देखो, गिवन में हम क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स कि क्यूब का जो टोटल सर्फेस एरिया है वो हमें कितना दिया हुआ है, 5400 स्क्वायर सेंटीमीटर दिया हुआ है हमें। फाइंड आउट करने के लिए क्या कह रहा है स्टूडेंट्स, जो वर्टिकल फेसेस है इनका सरफेस एरिया फाइंड आउट करने के लिए कहा है हमसे, ठीक है। सो देखो स्टूडेंट्स, अगर हम सॉल्यूशन की बात करेंगे तो यहाँ पर देखो हमें क्या दिया हुआ है, टोटल सरफेस एरिया दिया हुआ है क्यूब का, जिसे निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, 6L² होता है, ठीक है। एंड हमें फाइंड आउट क्या करना है, सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है वर्टिकल फेसेस का, ठीक है, वर्टिकल फेसेस का फाइंड आउट करना है, उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, 4L² होता है। तो यहाँ पर देखो स्टूडेंट्स, हमें इवेंचुअली ज़रूरत किसकी है, जो साइड ऑफ क्यूब है डैट इज एल, इसकी ज़रूरत है। तो हम क्या करेंगे, जो टोटल सरफेस एरिया दिया हुआ है वहाँ पर वैल्यू सब्सटीट्यूट करके लेंथ की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। जब हमारे पास में लेंथ की वैल्यू आ जाएंगी तो उसे हम क्या करेंगे, जो टोटल सरफेस एरिया है वर्टिकल सरफेसेस का फाइंड आउट करने के लिए क्यूब के, उसमें हम वो लेंथ की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे, जिससे कि हमारे पास में फिर ये सरफेस एरिया आ जाएगा वर्टिकल फेसेस का, ठीक है। सो सबसे पहले हम क्या करते हैं, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब विच इज इक्वल्स टू 6L² का है हमसे, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब कितना दिया हुआ है स्टूडेंट्स हमें, 540 दिया हुआ है। सो ये क्या आ गया, 540 इज इक्वल्स टू 6L² आ गया। अब 6 को LHS में लेके जाने हमें, LHS में लेके आएंगे तो वो क्या हो जाएगा, डिवीजन में चले जाएगा, तो 540 डिवाइडेड बाय 6 विच इज इक्वल्स टू L² आ जाएगा। 6 9 = 54 होता है स्टूडेंट्स, ठीक है, 6 9 = 54, 6 0 = 0, सो 90 इज इक्वल्स टू L² आया, ठीक है स्टूडेंट्स। एंड देन यहाँ पर देखो L इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 90 करेंगे अगर हम, सो L इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 9 × 10, 9 × 10 = 90 होता है, ठीक है। सो यहाँ पर देखो अंडर रूट 9 किसका स्क्वायर रूट होता है स्टूडेंट्स, 3 का, सो 3√2n। सो यहाँ पर लेंथ की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स हमारे पास में, 3√10 आई है, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो लेंथ की वैल्यू 3√10 आई है, उसे हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो सरफेस एरिया फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है वर्टिकल फेसेस का डैट इज 4L², यहाँ पर हम सब्सटीट्यूट कर देंगे, ठीक है। सो यहाँ पर देखो ये कैसा आ जाएगा स्टूडेंट्स, सरफेस एरिया ऑफ वर्टिकल फेसेस, ये फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला क्या हमारे पास में, 4L² है, 4 एज इट इज रहेगा, लेंथ के जगह पे हम क्या करेंगे, 3√10 का होल स्क्वायर, ठीक है। सो 4 एज इट इज रहेगा, 3 का स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पर, और ये क्या आएगा, √10 का स्क्वायर आ जाएगा। सो 4 एज इट इज रहेगा, 3 का स्क्वायर कितना आ रहा है स्टूडेंट्स, 9 आ रहा है, 4 × 9 × ये स्क्वायर रूट और ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, × 10, सो
9 4 सा कितना होता है स्टूडेंट्स 36, सो ये क्या आ गया 36 इंटू 10 करेंगे तो ये कितना आ गया स्टूडेंट्स हमारे पास में 360 स्क्वायर सेंटीमीटर आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, सो हमें फोर्थ सब क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना था, वर्टिकल फेसेस का जो सरफेस एरिया है दैट इज सरफेस एरिया ऑफ वर्टिकल फेसेस ऑफ अ क्यूब, ये फाइंड आउट करना था जो कि कितना आया है हमारे पास में यहाँ पर देखो 360 स्क्वायर सेंटीमीटर आया हुआ है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये इस तरह से हमारा जो फोर्थ सब क्वेश्चन है वो भी सॉरी स्टूडेंट्स यहाँ पर देखो ये जो क्यूब का हमें टोटल सरफेस एरिया दिया हुआ है ना वो 5400 दिया हुआ है, यहाँ पर मैंने गलती से 540 लिखा है तो यहाँ पर एक और जीरो बढ़ा देना। ठीक है, यहाँ पर एक जीरो, ये एक जीरो आ गया, 60 सा जीरो, ये क्या आएगा स्टूडेंट्स 900 आएगा, एंड ये अंडर रूट ऑफ 9 इंटू अंडर रूट ऑफ 100 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ये 9 किसका स्क्वायर रूट है 3 का है, 3 इंटू 100 किसका है 10 का है, सो लेंथ कितना आ गया हमारे पास में 30 आ गया यहाँ पे। ठीक है, नाउ स्टूडेंट्स यहाँ पर देखो लेंथ कितनी आ गई है 30 आ गई, तो यहाँ पर हम अभी एक बार फिर से सरफेस एरिया जो होता है वर्टिकल फेसेस का क्यूब का वो फाइंड आउट करेंगे। सरफेस एरिया ऑफ वर्टिकल फेसेस ऑफ क्यूब वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, विच इज इक्वल्स टू 4L स्क्वायर, सो इट इज़ इक्वल्स टू 4 इंटू लेंथ की वैल्यू कितनी आई है 30 आई है, तो 30 का स्क्वायर आ जाएगा, सो 4 इंटू 30 इंटू 30 करेंगे, 36, सो 3600 स्क्वायर सेंटीमीटर। देयरफॉर स्टूडेंट्स फाइनल आंसर लिख देना कि देयरफॉर सरफेस एरिया ऑफ वर्टिकल फेसेस ऑफ अ क्यूब इज 3600 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक, तो इसी तरह से जो फोर्थ क्वेश्चन है प्रैक्टिस सेट 9.1 का ये कंप्लीट होता है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स फिफ्थ, फिफ्थ में देखो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमसे क्या कहा है, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड इज 34.50 क्यूबिक मीटर, सो क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का गिवन लिख लेना कि जो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड है, वॉल्यूम किसका कहा है हमसे क्यूबॉइड का, वो कितना दिया है हमें 34.50 क्यूबिक मीटर दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद में हमसे क्या कहा है, ब्रेथ एंड हाइट ऑफ अ क्यूबॉइड इज, मतलब कि ब्रेथ कितना दिया हुआ है स्टूडेंट्स हमें 1.5 मीटर एंड हाइट कितना दिया हुआ है हमें 1.15 मीटर रिस्पेक्टिवली, हाइट कितना दिया हुआ है 1.15 मीटर दिया हुआ है, हमें क्या फाइंड आउट करना है, लेंथ फाइंड आउट करना है, टू फाइंड में क्या आएगा यहाँ पर लेंथ आ जाएगा, फाइंड इट्स लेंथ, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड कितना दिया हुआ है स्टूडेंट्स हमें 34.50 क्यूबिक मीटर दिया हुआ है, ब्रेथ एंड हाइट ऑफ द क्यूबॉइड इज 1.5 मीटर एंड 1.15 मीटर रिस्पेक्टिवली, मतलब ब्रेथ कितनी हो गई हमारी 1.5 मीटर हो गई, हाइट कितनी हो गई हमारी 1.15 मीटर हो गई, हमें क्या फाइंड आउट करना है, लेंथ फाइंड आउट करना है, फाइंड इट्स लेंथ कहा है, सो टू फाइंड में क्या आ जाएगा लेंथ आ जाएगा। ठीक है, अभी सॉल्यूशन में हम क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स यहाँ पर देखो सॉल्यूशन में आ जाएगा हमारे पास में हमें वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड दिया हुआ है, लेंथ ब्रेथ दिया हुआ है, लेंथ फाइंड आउट करना है, ब्रेथ एंड हाइट दिया हुआ है, सो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड को हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, सो वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड इट इज इक्वल्स टू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड कितना दिया हुआ है हमें 34.50 दिया हुआ है विच इज इक्वल्स टू लेंथ फाइंड आउट करनी है, इंटू ब्रेथ की वैल्यू कितनी दी हुई है 1.5, इंटू हाइट की वैल्यू कितनी दी हुई है 1.15 दी हुई है। ठीक है, सो लेंथ इज इक्वल्स टू 34.50 डिवाइडेड बाई ये 1.5 इधर डिनोमिनेटर में आ जाएगा इंटू 1.15 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, इसे फिर फर्दर अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये देखो 34.50 एज इट इज़ आ जाएगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे 1.5 इंटू 1.15 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 1.5 इंटू 1.5 करेंगे, सो 5 5s are 25, 5 1s are 5, 6 7, 5 1s are 5, इंटू 5 1s are 5, 1 1s are 1, 1 1s are 1, 5 as it is, 7 plus 5 is 12, 5, 6, 7, सो ये 7 हुआ और ये 1 आया, सो यहाँ पर 1, 2, 3 ये, तो ये कितना आ गया स्टूडेंट्स 1.725, 1.5 इंटू 1.15 कितना आया है 1.725 आया है। ठीक है स्टूडेंट्स, देन स्टूडेंट्स उसके बाद में हम 34.50 डिवाइडेड बाय 1.725 करेंगे तो हमारे पास में कितना आ रहा है 20 आ रहा है। ठीक है, तो 20 मीटर आ रहा है। ठीक है, 20.0 समथिंग आ रहा था तो हमने उसे 20 ले लिया, सो देयरफॉर स्टूडेंट्स हमारे पास में लेंथ कितनी आई है 20 मीटर आई है। फाइनल आंसर में लिखना है यहाँ पर देयरफॉर the length
of the cuboid is 20 meter. ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ मूविंग फॉरवर्ड टूवर्ड्स सिक्स्थ क्वेश्चन में देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमसे क्या कहा है, व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब हैविंग लेंथ ऑफ एज 7.5 सेंटीमीटर. हमसे क्यूब कहा है तो क्यूब में साइड जो रहती है उसकी जो लेंथ है वो हमें 7.5 दिया हुआ है. हमें वॉल्यूम ऑफ क्यूब फाइंड आउट करने के लिए कहा है. ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर सिक्स में देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर गिवन में हमें जो लेंथ ऑफ क्यूब है वो कितना दिया हुआ है, 7.5 दिया हुआ है सेंटीमीटर. हमें टू फाइंड करने के लिए क्या कहा है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब कहा है. ठीक है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब कहा है हमें फाइंड आउट करने के लिए. सो सॉल्यूशन में हम क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ क्यूब निकालने का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स. ठीक है, सो वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल्स टू 7.5 का क्यूब आ जाएगा, बिकॉज वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, एल क्यूब होता है. सो वॉल्यूम ऑफ क्यूब हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, एल क्यूब, एल की वैल्यू हमने यहाँ पर 7.5 सब्सटीट्यूट कर दिया. सो 7.5 का तीन बार हम मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 7.5 × 7.5 × 7.5 जो कि हमारे पास में क्या आता है, 421.875 आया. इसे हम अप्रॉक्सीमेटली कैसे लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, 421.88 क्यूबिक सेंटीमीटर लिख सकते हैं. देयरफॉर लास्ट में फाइनल आंसर लिख देना कि देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज 421.88 क्यूबिक सेंटीमीटर. ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरह से जो सिक्स क्वेश्चन है ये भी सॉल्व होता है. नाउ मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड सेवन्थ में देखो यहाँ पर हमसे क्या कहा है, द रेडियस ऑफ अ बेस ऑफ सिलेंडर इज 20 सेंटीमीटर. मतलब रेडियस कितना दिया हुआ है, 20 सेंटीमीटर. हाइट कितनी दी हुई है हमें, 13 सेंटीमीटर. फाइंड इट्स कर्व सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया. यहाँ पर हमें सिलेंडर का हमें कर्व सरफेस एरिया भी फाइंड आउट करना है एंड टोटल सरफेस एरिया भी फाइंड आउट करना है. और यहाँ पर कर्व सरफेस एरिया फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या है हमारे पास में स्टूडेंट्स, 2πRh है. ठीक है, कर्व सरफेस एरिया निकालने का फॉर्मूला, तो यहाँ पर हमें पाई की जो वैल्यू है वो क्वेश्चन में दी हुई है, डैट इज 3.14. तो यही वैल्यू हमें यहाँ पर सब्सटीट्यूट करके फाइंड आउट करना है. सो यही वैल्यू हमें यहाँ पर सब्सटीट्यूट करके जो कर्व सरफेस एरिया है ये फाइंड आउट करना है. एंड टोटल सरफेस एरिया के लिए जो फॉर्मूला होता है वो 2πR × r+h होता है. तो यहाँ पर भी हमें पाई की जो वैल्यू है वो 3.14 ही सब्सटीट्यूट करना है. तो चलिए फाइंड आउट करते हैं. सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर सेवन सॉल्व करें. यहाँ पर गिवन में लिख लेना सबसे पहले कि हमें क्या क्या दिया हुआ है. तो हम किसकी बात कर रहे हैं, सिलेंडर की बात करें तो सिलेंडर में हमें रेडियस दिया हुआ है, उसके बाद में एच दिया हुआ है एंड पाई का वैल्यू दिया हुआ है 3.14. रेडियस कितना दिया हुआ है स्टूडेंट्स हमें, 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है. ठीक है, हाइट यहाँ पर कितनी दी हुई है हमें, 13 सेंटीमीटर दी हुई है हाइट यहाँ पर हमें. टू फाइंड में क्या आएगा स्टूडेंट्स, हमें क्वेश्चन में देखो क्या फाइंड आउट करने के लिए कहा है, कर्व सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया. कर्व सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखो मैं अभी भी बता रही हूँ, मैं ये सब चीज़ें शॉर्ट में लिख रही हूँ. सी एस ए डेट इज कर्व सरफेस एरिया, टी एस ए डेट इज टोटल सरफेस एरिया. आपको पेपर में पूरा फुल फॉर्म में लिखना है. ठीक है, ऐसे शॉर्ट फॉर्म से नहीं चलेगा. सॉल्यूशन में हम देखो स्टूडेंट्स, जो कर्व सरफेस एरिया फाइंड आउट करने का फॉर्मूला होता है एक सिलेंडर का वो क्या है, 2πRh है. 2 एज इट इज रहेगा, पाई कॉन्स्टेंट है, वैल्यू कितनी आएंगी, 3.14 हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है. इंटू रेडियस कितना है, 20 है. इंटू हाइट कितनी है हमारे पास में, 13 है. ठीक है, अगर हम ये सबका मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये देखो 4 × 2 = 8 आ रहा है, 2 × 1 = 2 आ रहा है, 3 × 2 = 6 आ रहा है. इंटू 20 इंटू 13 करेंगे इन सबका, फिर अगर हम आगे जाके मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो हमारे पास में क्या आ रहा है स्टूडेंट्स, क्या आया यहाँ पर हमारे पास में, 1632.80 square centimeter आया. ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर है वो कितना आया हमारे पास में, 1632.80 square centimeter आया. नाउ हम क्या करेंगे, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर फाइंड आउट कर रहे हैं स्टूडेंट्स. ठीक है, सो टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या है सिलेंडर का, 2πR × r+h है. 2 × π की वैल्यू 3.14 इंटू रेडियस कितना दिया हुआ है हमें, 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है. विद इन ब्रैकेट 20 प्लस हाइट कितना दिया हुआ है, 13 दिया हुआ है. सो 2 × 3.14 × 20 × यहाँ पर देखो स्टूडेंट्स, 12 + 13 करेंगे हम, कितना आ रहा है हमारे पास में, 33 आ रहा है. सो ये देखो ये क्या हो गया, 2 × 4 = 8, 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6. सो 2 × 3.14 = 6.28 आया. इंटू 20 × 33 करेंगे अगर हम, तो हमारे पास में कितना आ रहा है ये, 660 आ रहा है. अब अगर हम 660 × 6.28 कर रहे हैं तो हमारे पास में 4144.8
स्क्वायर सेंटीमीटर आ रहा है टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ठीक है स्टूडेंट्स। तो फाइनल आंसर लिख लेना कि देयरफॉर द कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर इज 414 कर्व सरफेस एरिया कितना है स्टूडेंट्स हमारे पास में यहाँ पर 1632.80 स्क्वायर सेंटीमीटर, एंड जो टोटल सरफेस एरिया है दैट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कितना आ रहा है स्टूडेंट्स हमारे पास में 4144.8 स्क्वायर सेंटीमीटर आया है, ठीक है स्टूडेंट्स। इस तरह से जो हमारा 7 सब क्वेश्चन है ये भी सॉल्व होता है। यहाँ पर जो मेन आंसर आया है टोटल सरफेस एरिया एंड कर्व सरफेस एरिया उसे हाईलाइट कर लेना, ठीक है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स आर टुडेज लास्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में देखो स्टूडेंट्स हमसे क्या कहा है कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर इज 1980 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सिलेंडर की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, सिलेंडर का जो कर्व सरफेस एरिया है वो हमें कितना दिया हुआ है 1980 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है, एंड उसका जो रेडियस है वो हमें कितना दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है। नेक्स्ट हमें क्या फाइंड आउट करने के लिए कहा है स्टूडेंट्स, यहाँ पर फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर। यहाँ पर हमें टू फाइंड में लिखना यहाँ पर हाइट हमें फाइंड आउट करनी है सिलेंडर की, ठीक है। क्वेश्चन में देखो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमें पाई की वैल्यू भी दी हुई है जो कि कितनी है 22/7। तो ये वाले क्वेश्चन में हमें पाई की वैल्यू कितनी लेनी है 22/7 लेनी है, ठीक है। नाउ सॉल्यूशन में हम सॉल्व करेंगे इसे। अभी देखो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर ये निकालने का फॉर्मूला क्या है हमारे पास में, कर्व एरिया ऑफ सिलेंडर इट इज इक्वल्स टू 2πr(h). h हमें फाइंड आउट करना है। कर्व सरफेस एरिया कितना दिया हुआ है सिलेंडर का 1980 दिया हुआ है विच इज इक्वल्स टू 2 इंटू पाई की वैल्यू कितनी दी हुई है 22/7 इंटू रेडियस कितना दिया हुआ है हमें 15 दिया हुआ है इंटू एच डैट इज हाइट की हमें फाइंड आउट ही करनी है। सो यहाँ पर हम रीअरेंज कर लेंगे हाइट के अकॉर्डिंग। सो हाइट इट इज इक्वल्स टू 1980 इंटू 7 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 22 इंटू 15 विच इज इक्वल्स टू 1980 इंटू 7। तो हमारे पास में कितना आ रहा है स्टूडेंट्स 13860 आ रहा है डिवाइडेड बाय 2 इंटू 22 इंटू 15 करेंगे अगर हम तो स्टूडेंट्स हमारे पास में क्या आ रहा है 660 आ रहा है, ठीक है स्टूडेंट्स, विच इज इक्वल्स टू 13860 डिवाइडेड बाय 66 करेंगे तो 00 कैंसिल हो गया। हमारे पास में क्या आ जाएगा 1386 डिवाइडेड बाय 66 अगर हम कर रहे हैं सो 6621 सा हमारे पास में 1386 आता है। सो स्टूडेंट्स देयरफॉर हमारे पास में हाइट कितनी है यहाँ पर 21 सेंटीमीटर आई। फाइनल आंसर यहाँ पर लिख लेना कि देयरफॉर हाइट ऑफ द सिलेंडर इज the height of the cylinder is 21 सेंटीमीटर, ठीक है स्टूडेंट्स। सो आज के वीडियो लेक्चर के लिए बस इतना ही। आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने जो प्रैक्टिस सेट 9.1 है इसके सभी क्वेश्चंस पूरे कवर कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम ये जो प्रैक्टिस सेट 9.2 दिया हुआ है ये कवर करेंगे स्टूडेंट्स। अगर आपको वीडियो पसंद आई है एंड हमारे चैनल का कंटेंट अच्छा लगा है सब्सक्राइब कीजिए, देन प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।